दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग अप। आज मैं आपको गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताने वाला हूं। इसमें नॉर्मली क्या क्या होता है, उसके यूज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट पैनल में स्पीडोमीटर, एकोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गोज, इंजन टेम्परेचर और वार्निंग लाइट्स होती है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तभी सारी लाइट्स ऑन होती है, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। प्रैक्टिकली मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा, सारी वार्निंग लाइट्स ऑन हुई थी और बाद में वापस ऑफ हो गई, यानी कि गाड़ी के कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, लेफ्ट साइड में टेकोमीटर है, सेंटर में एक छोटा सा डिस्प्ले है जिसके अंदर फ्यूल गोज है, इंजन टेम्परेचर दिखाता है, ओडोमीटर है जो कि आपने कितने किलोमीटर ड्राइव किया हुआ है वो दिखाता है, ट्रिप मीटर भी है जिसको आप जीरो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने जीरो किया, तो इसके बाद मैं जितना ड्राइव करूंगा उतने किलोमीटर मुझे डायरेक्टली पता चल जाएंगे। बाद में ये जो 0 किलोमीटर पर आवर सेंटर में डिस्प्ले में जो दिखा रहा है वो स्पीड दिखाता है डिजिटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड पार्किंग लाइट दिखाता है, बाद में टर्न इंडिकेटर्स है राइट लेफ्ट, बाद में यहाँ ऊपर की साइड हेडलाइट का इंडिकेटर है। इसमें आप देख सकते हैं जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो कुछ वार्निंग लाइट्स दिख रही है, जैसे कि सबसे पहली हैंड ब्रेक की वार्निंग लाइट है। अगर आप हैंड ब्रेक खींचते हो तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है जिससे आपको पता चलता है हैंड ब्रेक खींची हुई है। बाद में ये सेकंड नंबर का जो आप देख रहे हैं वो बैटरी इंडिकेटर है, उसके बाद ऑयल प्रेशर का है, उसके बाद एयरबैग है, और उसके बाद पावर स्टीयरिंग का है, और ये येलो में जो आप देख रहे हैं वो ABS है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं हैंड ब्रेक खींचता हूँ तो यहाँ पर एक वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। बाद में मैं सीट बेल्ट अगर निकाल देता हूँ तो उसकी भी अलग से वार्निंग आती है। दोस्तों, टेकोमीटर के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको ऊपर की तरफ अभी दिख रही होगी, तो टेकोमीटर के बारे में जानने के लिए कृपया वो वीडियो देख ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 लिखा हुआ है और ऑफसाइड एरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 6 गियर में अभी गाड़ी को डालना चाहिए। मेरी गाड़ी अभी 5th गियर में है पर उसके हिसाब से स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इसके लिए इंडिकेट कर रहा है कि मुझे 6th गियर में गाड़ी डालनी चाहिए। अभी मैं 6th गियर में स्पीड कम करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है और डाउन साइड एरो है, मतलब कि अभी मेरी स्पीड कम है पर उसके हिसाब से गियर ज्यादा है, मतलब अभी मुझे 5th गियर में गाड़ी को डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये फंक्शन की वजह से गियर शिफ्टिंग में हेल्प हो जाती है, खास करके बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा फंक्शन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।